बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो पूरा सीरीज है वो फिनिश हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर कम्प्लीटली कम्प्लीटली हमने इसको ब्रेक कर दिया, और इसको हमने अच्छा खासा ब्रेक किया है। मतलब टोटल लेक्चर अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 घंटे का लेक्चर जाएगा। हाफ एन आवर टू 40 मिनट या 25 टू 35 मिनट तक का लेक्चर है नॉर्मली, और सारे जितने भी पोर्शंस हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, बड़े डिटेल में हमने कवर किया है अभी तक। ओके, सो ये लास्ट लेक्चर होगा इसका, जिसमें हम दो और इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे, जो हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेजर पोर्शन यही था, डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शंस, जिनको हम बायोटिक इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक इंटरेक्शंस। ओके, या नॉर्मली हम बुक में जो दिया है वो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है, तो बायोटिक इंटरेक्शंस। ओके, सो इसमें कॉमेंसलिज्म बचा है और हमारा क्या बचा है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कॉमेंसलिज्म बचा है और क्या बचा है, म्यूचुअलिज्म। ये दो रिलेशनशिप हमको पढ़ने हैं अभी, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोनों को 20-25 मिनट में, 30 मिनट में खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आसान है लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक रिलेशनशिप हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि कॉमेंसलिज्म का मीनिंग क्या होता है। कॉमेंसलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे दो कम्पीटिंग स्पीसीज, मतलब दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज, नॉट कम्पीटिंग, क्योंकि कम्पीटिंग कर देंगे तो कम्पिटिशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, ठीक है, दो कम्पीटिंग, सॉरी, बिटवीन टू इंटरेक्टिंग स्पीसीज, व्हेन वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड एंड अदर डज नॉट गेट एनी बेनिफिट और डज नॉट गेट एनी हार्म। मतलब दूसरी स्पीसीज को ना तो हार्म होता है, कोई भी बायोलॉजिकल लॉस होता है, या कोई भी बायोलॉजिकल फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कोई नहीं होता है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस, समझ रहे हैं? लेकिन पहली स्पीसीज को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, मतलब फायदा होगा। तो इस इंटरेक्शन को हम कमेंसलिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। और ये इंटरेक्शन क्या होता है? नॉन ऑब्लिगेट ही होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये हमेशा इसी के साथ इंटरेक्ट करेगी। नॉर्मली ये नॉन ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं है ना, लेकिन नेचुरली अगर ये इसके साथ, इस स्पीसीज के साथ अगर इंटरेक्शन में इसको फायदा हो रहा है और ये स्पीसीज आराम से अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मैक्सिमम केसेस में इसी के साथ ये अटैचमेंट दिखेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका आप देखेंगे, जंगल में जाएंगे तो इपीफाइट्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? मैंगो ब्रांच के ऊपर। ऐसा नहीं खाली मैंगो ब्रांच के ऊपर होते हैं, आप जंगल में जाएंगे, ठीक है, जंगल में जाएंगे तो और भी प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर इपीफाइट्स ग्रो करते हैं। तो इपीफाइट, आपको अगर ये रिलेशनशिप नहीं पता होगा तो आपको लगेगा कि अरे तो पैरासिटिक प्लांट है। नो, पैरासिटिक प्लांट एक ही हमने पढ़ा था, कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा, जिसको हमने अमरबेल बोला था। इपीफाइट्स आर नॉट पैरासिटिक। ईपी का मतलब ऊपर होता है, फाइट का मतलब प्लांट। प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला पौधा जो होता है वो इपीफाइट्स होता है। इसमें ऑर्किड्स आते हैं, ऑर्किड्स, अरे जिनके फ्लावर्स आप देखते हैं ना, बड़े बड़े महंगे महंगे मिलते हैं, बुके बनवाइए ऑर्किड के फ्लावर का, बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें ऑर्किड को ना एक स्पेस मिलता है, प्लेस मिलता है मैंगो के ट्री के ब्रांच के ऊपर ग्रो करने का, लेकिन इसकी वजह से मैंगो को कोई फायदा, नुकसान नहीं होता है ना तो फायदा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंगोस के ब्रांच से या मैंगो के प्लांट से इपीफाइट न्यूट्रिशन को सक कर लेता है। नो, दिस इज नॉट अ पैरासिटिक रिलेशन, इसको मैं इम्फोसाइज कर रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का क्या है? आप वेल को देखेंगे, वेल के अगर ऐसे जब वेल उड़ती है, मतलब उछलती है, पानी से बाहर निकलती है, अगर आप सीन देखे होंगे रियल में या तो मूवीज में तो देखे होंगे, तो देखेंगे उसमें छोटे 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 ऑर्गेनिज्म ना चिपके रहते हैं। आपको लगेगा कि इस पे ये चकत्ते पड़े हुए हैं, लेकिन वो चकत्ता नहीं होता है, वो एक्चुअली में दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऊपर चिपका रहता है बिल्कुल। ठीक है, वो होते हैं बार्निकल, जिनको हम सी बार्निकल बोलते हैं। ठीक है, सी बार्निकल्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसकी वेल के जो है ना, वेल के साथ अटैच होते हैं, मतलब इसकी बैक पे, ठीक है, ऐसे ग्रो करते हैं, मतलब उसी पे चिपके रहते हैं, उसी पे ग्रो करते हैं, समझ रहे हैं ना? और ये क्या करते हैं, जो वेल खाना पीना खाती है, आसपास रहती है ना, तो उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं,
और ऑब्वियस सी बात है वेल के साथ चिपके, तो जहां जहां वेल घूमेगी वहां वहां वो भी घूमेंगे। और इन जनरल वेल को, इतना बड़ा मैमल है वेल, वेल इज अ मैमल, ओके, ब्लू वेल सबसे बड़ा मैमल है आपका धरती पे अगर आज के समय में देखा जाए तो। इतना बड़ा जानवर है, इसको नॉर्मली कोई भी, ऐसे बड़ी जब हो जाती है तो नॉर्मली कोई अटैक नहीं करता है, तो उसे मतलब आपको पता चल गया इससे कि भाई बड़े पावरफुल आदमी के साथ आप रहेंगे तो आपके ऊपर कोई जल्दी हाथ नहीं उठाएगा, तो प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा ना, ओके, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। इस दोनों केसेस में जो मैंगो है और जो वेल है, ये कोई अपेरेंट बेनिफिट नहीं डिराइव करते हैं। अपेरेंट का मतलब जो दिख रहा हो प्रॉपरली, भाई कुछ और बेनिफिट होगा तो उसकी स्टडी अभी नहीं हुई है, हो जाएगी तो पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हो सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाए या प्रोटोकोऑपरेशन में आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल कॉमेंसलिज्म में है, क्लियर है, ओके। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप देखे होंगे, गाँव में देखे होंगे, अगर कभी गाय चराए हैं आप, हमने तो चराया गाय भैंस मतलब खेत में कभी बहुत पहले, ठीक है, अगर कोई गांव से बिलोंग करने वाला है तो देखा होगा। तो जब घासों में गाय चरती है, ऐसे बाहर ले जाते हैं ना गाय भैंस को चराने के लिए, तो उसके आसपास देखेंगे ना एक पर्टिकुलर टाइप की बर्ड जो है घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, ठीक है। वो क्यों उड़ती हैं? वो इसलिए उड़ती हैं कि जो घास में ऐसे ऐसे जो ये पशु चरते हैं ना, तो वहाँ पे जो कीड़े बैठे रहते हैं, कीड़े उनके पैरों से जैसे ही घास हिलती है, जैसे आप कहीं जाए तो मच्छर वच्छर ऐसा उड़ने लगते हैं ना, वैसे ही होता है। तो जैसे ही वो उड़ेंगे, आप इसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है, अभी मैंने इमेज लगाया नहीं है, इमेज आप देख सकते हैं सर्च करके, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल डालेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगा। तो उस केस में होता है जो इंसेक्ट वगैरह उड़ते हैं ना, उन्हीं को ये खाने के लिए वहाँ पे मंडराते रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो इससे ग्रेजिंग कैटल को तो कोई फायदा नुकसान हुआ नहीं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ इन्हीं के ऊपर बैठ बैठ के भी घूमते रहते हैं, इन्हीं के आसपास मंडराते रहते हैं, तो इनको फूड मिल जाता है, समझ रहे हैं ना, इनको क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। और ये आप गांवों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, गांव में मिलेगा क्योंकि वहीं पे आदमी जो है पशु चराने जाते हैं, शहरों में कहाँ जाते हैं, शहरों पे तो रोड पे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद शाम को हाँकने पहुंच जाएंगे। हाँ, वो क्या खाया क्या नहीं खाया, किसको नुकसान किया, कहाँ पोटी किया, कैसे, कुछ नहीं, बस छोड़ देंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे गाड़ी लेके हाँकने जाते हैं यहाँ पे शहर में, हमने देखा है, दिल्ली में भी देखा है और बाकी जगह शहर पे भी देखा है, ठीक है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है आपका कॉमेंसलिज्म का, ये कैटल इग्रेट वाला रूरल एरिया में, तीन एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी फिलहाल, क्लियर है कि नहीं। इसमें क्या फायदा हुआ कैटल इग्रेट को, इसको फूड मिल गया, ठीक है, इसको फूड मिल गया, क्लियर है, ओके। इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल है, हालांकि ये रियल में हमने बहुत पहले जब पढ़ा था तो ये एग्जाम्पल दूसरी कैटेगरी में आता था, ये एक्चुअली में प्रोटो कोऑपरेशन की कैटेगरी में आता है, प्रोटो कोऑपरेशन। अब प्रोटो कोऑपरेशन वर्ड ही यहाँ नहीं दिया है तो अब क्या बताएं, अगला जो रिलेशनशिप है हम उसके साथ प्रोटो कोऑपरेशन थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन भाई यहाँ दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है मैं इसको यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल तीसरा क्या दिया हुआ है, सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है और क्लाउन फिश का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे केवल सी एनिमोन है ना, सी एनिमोन के साथ जो एक रिलेशनशिप आपको दिखेगा, ये रिलेशन नहीं, हर्मिट क्रैब का रिलेशन, ठीक है, हर्मिट क्रैब प्लस हर्मिट क्रैब और कौन, सी एनिमोन, समझ रहे हैं कि नहीं, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, ये रिलेशनशिप दूसरे में आता है। और उसके अलावा और भी कुछ रिलेशनशिप हैं जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसको सबको कहाँ डाल दिया है, या तो कॉमेंसलिज्म में डाल दिया है या तो म्यूचुअलिज्म में डाल दिया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे दिया है सी एनिमोन का, और क्या दिया है, और क्या दिया है, क्लाउन फिश। तो ये नाम याद रखिएगा भाई, इसमें क्या होता है, सी एनिमोन आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे सी एनिमोन का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टेंटिकल होते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ठीक है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं, हेयर्स नहीं टेंटिकल्स हैं, मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं और फूड को कैच करने का भी काम कराते हैं। तो इसी में क्या होता है, ये जो क्लाउन फिश होती है ना, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, तो जो स्पेस यहाँ पे स्पेस है ना, तो इसी में घूमती रहती हैं, इसी के बीच में। तो जो बाहर वाला कोई प्राणी होगा, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा, जिस जो इसके ऊपर नज़र रखे हुए है, ठीक है, तो ये बाहर निकलेगी नहीं और इसको फूड मिलेगा नहीं। तो इसको क्या मिलता है, जो क्लाउन फिश होती है इसको क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, समझ रहे ना, सीधी सी बात है, इसको क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया,
हालांकि यहाँ पे सी एनिमोन को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख दिया है, कमेंसलिज्म की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल। ऑब्वियस ही बात है, जो प्रीडेटर आसपास घूम रहे हैं इसको खाने के लिए, तो ये टेंटिकल जो है ना, ये पॉइजनस होता है, स्टिंगिंग है, पॉइजनस है मतलब मार सकता है, धसा देगा, मर जाएगा, मूर्छित कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रोटेक्शन मिला, उसी प्रोटेक्शन के चक्कर में ये क्लाउन फिश जो है ना सी एनिमोन के बीच में ऐसे घुस के मस्ती से एकदम घूमती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल, यहाँ से चार एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसमें एग्जाम्पल ही है बस। कमेंसलिज्म का मीनिंग समझ में आ गया? ओके, अब म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप पे आइए। इसमें भी दो तीन आपको एग्जाम्पल पहले से पता होंगे कॉमनली। ठीक है, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहाँ आता है? यहाँ पे जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं इसमें दोनों को फायदा होगा। सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा ना, ये पॉजिटिव रिलेशन में था, दोनों को फायदा होगा, मतलब ये इसको फायदा करेगी और ये इसको। और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म दो टाइप से होता है, एक होता है सिम्बायोटिक, हालांकि म्यूचुअलिज्म जहां आ जाता है हम नॉर्मली इसको सिम्बायोटिक ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, सिम्बायोटिक रिलेशन और नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया? नॉन ऑब्लिगेट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एक दूजे के लिए दो जिस्म एक जान की कहानी नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये ए जो है जब तक बी है तब तक बी के साथ रिलेशनशिप में रहेगा, नहीं जैसे बी गायब हुआ तो ये सी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाएगा, सेम टाइप का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन ऑब्लिगेट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशन जो होता है ये ऑब्लिगेटरी नेचर का होता है, मतलब क्या है, अगर ए गया तो बी भी खल्लास, बी गया तो ए भी खल्लास, मतलब ये यहाँ पे कहानी है क्या, दो जिस्म एक जान की कहानी है, समझ रहे हैं ना? तो ये रिलेशनशिप आपको एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जो सिम्बायोटिक या ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, आप एक देखे होंगे ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब पढ़ना नहीं है, इसके पहले पढ़ना था, एक्चुअली मैं सिलेबस चेंज कर दिया। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लस रूट नोड्यूल, किसके, लेग्यूम्स के, लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं, जैसे मटर का प्लांट हो गया, ठीक है, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल, उसमें रूट नोड्यूल होता है उस रूट नोड्यूल और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दलहनी फसलें जो है ना खेतों में लगानी चाहिए अल्टरनेट ईयर पे, ताकि नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी ना हो, ठीक है, नाइट्रोजन का फुलफिलमेंट होता रहे कहाँ पे, खेतों में, सो सॉयल की जो फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। क्लियर है? एक तो एग्जाम्पल ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का है, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लाइकेन का है, लाइकेन आपको पता ही होगा, ठीक है, सब्जी मसाले में भी डाला जाता है, और लाइकेन जो होते हैं ना पॉल्यूशन के बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, पॉल्यूशन के, स्पेशली सल्फर पॉल्यूशन अगर है, सल्फर का मतलब H2S गैस या रिलीज हो रही इंडस्ट्री से, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें भी है, तो ये बहुत मतलब उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना तो ये लाइकेंस दिखेंगे ही नहीं आपको, इसीलिए आसपास सिटी में कभी आपको नॉर्मली लाइकेन नहीं दिखेंगे, आप जब पहाड़ की तरफ जाएंगे, जंगल की तरफ जाएंगे, तो पेड़ों पर आपको चिपके हुए दिखेंगे। तीन अलग टाइप के लाइकेंस होते हैं, हमने पढ़ा है, हैं, फोलियोज होता है, फ्रूटिकोज होता है, और क्या होता है, क्रस्टोज होता है, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। ठीक है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है डिटेल, जब प्लांट किंगडम एनिमल पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे लाइकेन आएगा, तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? लाइकेंस तो यहाँ पे भी इंटीमेट दिख रहा है ना, इंटीमेट मतलब ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप किसके किसके बीच में यहाँ होता है, फंजाई प्लस एल्गी के बीच में। ठीक है, एल्गी, अब सोचिए कि फंजाई नीचे रहता है नॉर्मली, तो फंजाई का क्या काम होगा, फंजाई जो होता है ना ये जो न्यूट्रिएंट जो है सक करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है सक करेगा, और एल्गी प्लांट है तो ये क्या करेगा, फूड बनाएगा, तो इफेक्टिवली क्या हुआ, फंजाई शेल्टर देगा और न्यूट्रिशन देगा, और एल्गी क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, फूड बनाएगा, क्योंकि यही है, इसमें ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, सो यहाँ पे फंजाई जो होता है, फंजाई को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंजाई को क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट। ठीक है, यहाँ वर्ड नहीं है लेकिन एक वर्ड ये आपको यूज हुआ है पहले,
मतलब जब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर वहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे जो फंजाई होता है मतलब लाइकेन में, इनको बोलते हैं माइकोबायंट, ठीक है। और जो एल्गी होता है, एल्गी वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, फाइकोबायंट, फाइको PHYCO, फाइको बायंट। माइको कहाँ से आया है, माइकोलॉजी से आया है, कहाँ से आया है, माइकोलॉजी मतलब फंजाई की स्टडी, और फाइको बायंट मतलब फाइको कहाँ से आया, फाइको आया है फाइकोलॉजी से, फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गोलॉजी भी होता है इन जनरल, लेकिन फाइकोलॉजी इज अ मोर साइंटिफिक वे टू से अबाउट द स्टडी ऑफ एल्गी, ओके। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी हो गए, या साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और दूसरा पार्टनर क्या है, फंगस है, तो ये पार्टनर्स हैं, क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली माइकोराइजा का रिलेशनशिप होता है, माइकोराइजा किसके किसके बीच में होता है, माइकोराइजा, माइको है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी फंजाई आ रहा है, ठीक है। राइजा, राइजा का मतलब रूट है, ठीक है, रूट किसका, रूट हायर प्लांट का। तो बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में होती हैं, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और ये बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है, बहुत बढ़िया का मतलब क्या है, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बहुत सारा प्रोटेक्शन देता है डिजीज से, जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं या अदर जो सोयल बायोटा है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं सोयल में, उनसे भी प्रोटेक्शन देता है माइकोराइजा, ठीक है। तो ये एसोसिएशन अच्छा है। फंजाई हेल्प विद दी प्लांट इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल, व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। ये आपका लाइकेंस के भी लिए बोला है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पे एक जिस्म दो जान की कहानी है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा तगड़ा देखने को मिलता है जो ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में, जैसे जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो एनिमल होते हैं, और जो जिनका पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या होता है, प्लांट होता है। तो यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे हमको ऑब्लिगेट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, बहुत सारे। जैसे एक हम बताते हैं, जो चमगादड़ होते हैं ना, वो भी पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, उसको चिरेप्टेरोफिली बोला जाता है, ठीक है, चिरेप्टेरोफिली, जो कि किससे होता है पॉलिनेशन, चमगादड़ से। और इसके लिए एक प्लांट बहुत बेहतरीन है जिसको हम बोलते हैं काइगेलिया, कि गेलिया है, काइगेलिया बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी में बोलें इसको बालम खीरा, ठीक है, आप सुने होंगे, गांव में होंगे या ऐसे कहीं, तो चिल्लाते हुए आते हैं इसका पाउडर लेके, चूरन लेके, ठीक है, इसका चूरन बेचते हैं सब, ठीक है। क्या बोलते हैं, बालम खीरा पेट को बना देगा हीरा, ठीक है, ये टैग लाइन होती है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, अगर नहीं सुने ना सर्च करिए, ये चिल्लाते हुए घूमते हैं, यही बालम खीरा होता है, किगेलिया पिन्नाटा या इसकी अदर स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें चमगादड़ से होता है, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है, जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पॉलिनेटर गया, अगर पॉलिनेटर किसी भी रीजन से अगर गया, तो प्लांट भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ, एक्सटिंक्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, या कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ों का, प्रोडक्ट का यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में या कहीं पे भी, वाटर बॉडीज में, तो हमको ये ध्यान में रखना होता है कि भाई ये जो एनिमल हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। काहे हम जीएम क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं, जो हमारा GEAC है, अप्रेजल कमिटी जो है MOEFCC के अंदर में, ठीक है, ये क्यों इतना ज़्यादा सोच के रखता है कि नहीं नहीं भाई हम अभी नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा इवेल्युएट करने के बाद। और फूड प्रोडक्ट में तो अभी तक दिया ही नहीं है, हमारे हमारे कंट्री में केवल बीटी कॉटन जो होता है ना, बीटी कॉटन जो है, बस इसी को अप्रूवल मिला है। इसके अलावा DMH 11, ये भी चल रहा है प्रोसेस में, DMH 11 सरसों की वैरायटी है तेल निकालने के लिए, ठीक है, ये सब लाइनअप में है, लेकिन अभी अप्रूवल कंप्लीट मिला नहीं है, ठीक है। क्यों मिला नहीं, सबसे मेजर कंसर्न होता है यही जो पॉलिनेटर है ना भाई, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो बाद में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कैसा इम्पैक्ट दिखेगा कुछ पता नहीं है। हालांकि
अब क्या करें, दुनिया जब कर रही है तो अल्टीमेटली हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है एक टाइम के बाद। नहीं बढ़ाएंगे तो फीड कैसे करेंगे अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है। सो प्लांट नीड दैट हेल्प, द हेल्प ऑफ द एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, ठीक है। और एनिमल को ऑब्वियसली क्या चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है भाई, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो सर्विस में इन रिटर्न क्या मिलेगा उसको, नेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, पॉलन तो मिलता ही है, लेकिन पॉलन का वो क्या करेगा, ठीक है, वो ले जाके छोड़ देगा दूसरी जगह, लेकिन उसको मेनली क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है फॉर पॉलिनेटर, एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर। सीड डिस्पर्स करने के लिए जो होता है, ठीक है, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट मिलता है, तो उसकी फूड की भी पूर्ति होती है, नेक्टर भी है, फूड भी है, मतलब अदर जूसी मटेरियल और न्यूट्रिएंट जो फ्रूट्स हैं वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट वो डिराइव करते हैं, तो ये म्यूचुअल है ना भैया, हम तुमको कुछ दे रहे हैं, तुम हमसे, हमको तुमसे कुछ लेना है, नहीं मिलेगा तो जाएंगे नहीं, क्या फायदा। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं ना जिसमें प्लांट तो बेनिफिट ले लेता है, ठीक है, प्लांट तो बेनिफिट ले लेता है, लेकिन पॉलिनेटर जो है वहाँ पे एकदम टाइम टाइम फिस हो जाता है, मतलब उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट दी चीटर्स, चीटर देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग दी पॉलिनेशन, ये भी है, ये भी है। तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी इवोल्यूशन होता है, अगर चीटर कुछ डेवलप कर लिया कि भाई प्लांट को पता ना चले वो चीट करके निकल ले, तो ऐसा नहीं है, प्लांट भी इवॉल्व कर जाता है। नाउ यू कैन सी व्हाई द प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस हैव इन्वॉल्व को इवोल्यूशन, समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे प्लांट इवॉल्व करता है या एनिमल इवॉल्व करेगा वैसे वैसे ये भी इवॉल्व करता है। हमने पैरासाइट एंड होस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा था ना, पैरासाइट एंड होस्ट, यहाँ पर भी टर्म यूज किया था हमने को इवोल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दैट इज क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर, मतलब अगर फ्लावर में कुछ भी नई चीज ऐड हो रही है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, तो जो इसको पॉलिनेट कर रहा है, जो एनिमल इसको पॉलिनेट कर रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होगा, ताकि इनके बीच का लिंकेज जो है टूटे ना, समझ रहे हैं। इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री, अब यहाँ पे फिग, फिग मतलब अंजीर जो खाते हैं, बड़ा महंगा आता है, बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो फिग की बात कर रहा है, यहाँ पर भी यही है, बहुत टाइट रिलेशनशिप होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप किसके साथ, विद पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प। तो फिग का जो एक वास्प स्पीसीज है इसके साथ ना बहुत ही 1-to-1 का मतलब कहते हैं, जैसे हम पढ़ाने के लिए बोलते हैं ना कि आइए हमारे साथ पढ़िए क्लास लीजिए, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 का मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन, और जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी हम उसकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, बशर्ते हमको क्या चाहिए, हमको बस ये चाहिए कि आपका डेडिकेशन कंप्लीट रहे, डिस्ट्रैक्शन जीरो रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही फिग एंड वास्प के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। इट मीन्स दैट इफ गिवेन फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज, मतलब जो इसके साथ, मतलब कोई भी फिग की स्पीसीज मान लीजिए ए है, तो इसके लिए वास्प अगर मान लीजिए कि एक्स अगर पॉलिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर वास्प वाई आ गया ना, तो इसको पॉलिनेट वाई आ गया, अगर तो ये पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, हमेशा वास्प एक्स ही फिग वन को पॉलिनेट कर पाएगा, कोई अदर स्पीसीज नहीं, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब इसमें होता क्या है, यही दिया है फिग के लिए, होता क्या है कि फीमेल वास्प जो होता है ना, फीमेल वास्प, ठीक है, वो कहाँ फ्रूट को यूज करती है, कैसे, द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन एग लेइंग पोजिशन साइट बट यूजेज डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग द लार्वा, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए फीमेल वास्प है, वो फ्रूट के अंदर, मान लीजिए फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर घुस गई, तो फ्रूट के अंदर वो जो कुछ जगह होती है ना, तो वहाँ पे एग ले करती है, एग ले करेगी ना भाई, एग ले करती है, एग ले भी करती है, तो एक तो जगह मिल गया इसको, वो भी पोजिशन, ठीक है, सॉरी, जगह मिल गया इसको अंडा देने के लिए, प्रोटेक्टेड रहेगा, फ्रूट के अंदर है, नुकसान नहीं होगा कुछ, ठीक है। दूसरा क्या फायदा हुआ, जो जो प्लांट है, ये फिग है ना, ये डेवलप करेगा इसका फ्रूट, तो उसमें सीड भी बनेगा, और जो मटेरियल है, तो वहाँ से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी डिराइव करता है, किसके लिए, जो लार्वा, डेवलपिंग लार्वा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। द वास्प पॉलिनेट्स द फिग इन फ्लोरिसेंस वाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट, समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है एग लेइंग साइट
सर्च करने के चक्कर में कि या इस पूरे फ्रूट के अंदर जो एग लेइंग साइट है यहाँ पे, एक्चुअली मैं अंदर अंदर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस टाइप का इन्फ्लुएंस होता है और क्यों इसके अंदर जो जो फिग का फ्रूट होता है उसके अंदर इंसेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कैसे। ठीक है, इन रिटर्न फॉर दी फेवर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ द फिग ऑफर्स दी वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स, समझ रहे हैं ना, एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। तो भाई पॉलिनेशन हो रहा है इसका मतलब फ्रूट बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रूट भी उसको कुछ देगा। रिलेशनशिप क्या है, दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, तो वहाँ पे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सीड देता है, अदर जो वहाँ पे अदर मटेरियल है आपका जूसी मटेरियल। समझ रहे हैं कि नहीं, आपने सुना है कि नहीं, कहते हैं ना कि भाई इसके फूल को किसी ने देखा नहीं है, रात को 12 बजे निकलता है, जिस चीज़ के अंदर गिर जाएगा, मतलब आप हाथ में पैसा लिए हैं उसमें गिर गया, टोकरी लिए हैं उसमें गिर गया अनाज की, तो कभी ख़त्म नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि इसका फूल जो है ना कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, फूल हमेशा फ्रूट के अंदर रहता है। तो 12 बजे की कहानी खाली इसलिए है क्योंकि आप उसके पेड़ के नीचे ना जाएं। कहते हैं ना गूलर, गूलर सुने हैं ना, तो फिक की एक स्पीसीज है भाई, वो गूलर कॉमनली हम लोग देखने के लिए मिलता है। इसके फ्रूट जो पका हुआ होता है ना, इसको खोलेंगे जब फोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, उनको ऐसे फूंक के खा सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो नुकसान करेंगे आपको। ठीक है, फूंक के निकाल के खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है और टेस्टी से ज़्यादा बहुत न्यूट्रिशन होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑर्किड का। ठीक है, ऑर्किड का, ऑर्किड शोज अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। अभी एक हमने पढ़ा ना ऑर्किड में इपीफाइट जो था, इपीफाइट, तो इपीफाइट कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा था बताइए, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप था ना भाई इपीफाइट में। ठीक है, इपीफाइट में ऑर्किड, ठीक है, मेनी स्पीसीज मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट दैट इज बीज एंड बम्बल बीज। ठीक है, टू इंश्योर द गारंटीड पॉलिनेशन बाई इट। नॉट ऑल द ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड्स, ये पूछ रहा है नॉर्मली म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में जो प्लांट होता है, ठीक है, ये इंसेक्ट को या जो पॉलिनेटर होता है इसको रिवॉर्ड जो है शो करता है, मतलब रिवॉर्ड देता है, ये रिवॉर्ड है ना, और इसको क्या मिलता है यहाँ से, पॉलिनेशन भाई हो रहा है इसका। ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा है इन अ वे। लेकिन कुछ ऑर्किड की ऐसी स्पीसीज हैं जहाँ पे ऑर्किड जो होता है ना पॉलिनेशन तो करवा लेता है लेकिन रिवार्ड नहीं देता है। ठीक है, रिवार्ड नहीं देता है, ये प्रोसेस एक्चुअली में क्या है, सेक्सुअल डिसीट का प्रोसेस है, या इसको हम बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि ऑर्किड का जो फ्लावर होता है ना, ये देख रहे हैं ना, ये फ्लावर ऐसा होता है ना ऑर्किड का कि जो फीमेल, ये फीमेल बी है जो इसकी तरह अपियर होता है। ठीक है, फीमेल बी की तरह अपियर होता है, जैसे अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे ना कि भाई वो कैमाउफ्लेज टाइप से होता है, मिमिक्री करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो फ्लावर का पेटल का स्ट्रक्चर है वो फीमेल बी की तरह होता है। अब क्या करेगा जो मेल पार्टनर है, मेल बी पार्टनर है, वो तो उसको तो लगेगा कि भाई यहाँ फीमेल बैठी हुई है, और वो मस्ती में एकदम मंडराते हुए आएगा अपना, किस चीज़ के लिए आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आएगा इसके साथ बिल्कुल चिपकेगा, कुछ देर तक चिपकेगा, तो फ्लावर से उसने तो क्या ले लिया, पॉलन चिपका लिया अपने बॉडी के ऊपर, लेकिन उसको कुछ फायदा हुआ नहीं भाई, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ प्लांट क्या कर रहा है, यहाँ प्लांट जो है डिसीट कर रहा है, धोखा दे रहा है किसको, इसको बी को। ठीक है, तो सेक्सुअल डिसीट देखने को मिलता है यहाँ पे, ऑर्किड को फायदा हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है इसका, अब यहाँ से क्या होगा, एक पे नहीं मिला तो दूसरे पे चला जाएगा, इतना सेंसिबिलिटी डेवलप नहीं हुआ है, हो सकता है यही रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप हो गया हो कि इनको उसी में मजा आता हो। ठीक है, उसी में मजा आता हो। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग, समझ रहे ना, साइज भी लगभग वैसा ही रहेगा, कलर भी वैसा ही अपियर होगा फीमेल बी की तरह, और मार्किंग्स भी, तभी तो मेल अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और उसी की वजह से मेल भी जो है अट्रैक्ट होके जाता है, क्या परसीव करके जाता है कि ये फीमेल है, तभी तो धोखा होता है उसको।
यह मृग मरीचिका की तरह है। रेगिस्तान में जैसे दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा पानी पानी ही दिख रहा है, जैसे नजदीक में जाएंगे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेल क्या करता है, फीमेल के साथ स्यूडो कॉपुलेट करता है, इसीलिए इसको स्यूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर के साथ कॉपुलेशन हो रहा है इसलिए इसको स्यूडो कॉपुलेशन बोल रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है कि नहीं। और जैसे ही कॉपुलेट करेगा चिपकेगा, तो बताया मैंने कि पॉलन जो है उसकी पूरी बॉडी पे डस्टिंग हो जाएगी, चिपक जाएगा। और सेम प्रोसेस जब वो रिपीट करेगा दूसरे प्लांट के साथ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसने पॉलन दूसरे को छोड़ दिया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस प्रोसेस में ये क्या कर देता है, पॉलन का ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जो हमने शुरू में ही पढ़ा कि मतलब चीटर, समझ रहे हैं ना, प्लांट भी चीटरों से मतलब बचता है, अपने को बचाता है और कहीं कहीं धोखा भी देता है, ठीक है। सो इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी। अभी जैसे मैंने बताया कि इतने टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन बी अभी तक ये परसीव नहीं कर पाया है कि भाई हमको जो है धोखा मिल रहा है, या तो परसीव कर लिया हो लेकिन अभी भी उसको मजा आ रहा हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, स्यूडो कॉपुलेशन में ही मजा आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उसने परसीव कर लिया, ठीक है, और वो जाना बंद कर दिया, तब कैसे प्लांट में चेंज होगा। या अगर मान लीजिए कि प्लांट में मार्किंग चेंज हो गई, ठीक है, प्लांट में मार्किंग चेंज हो गई, तो क्या फीमेल भी उधर जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल बी के केस में अगर मार्किंग में चेंज हुआ फीमेल बी के, क्योंकि यही मार्किंग यहाँ प्रेजेंट है, तो अगर इसकी मार्किंग में कुछ भी पैटर्न में चेंज हुआ, पहले मान लीजिए ऐसा ऐसा था अभी ऐसा ऐसा हो गया, सपोज पहले मान लीजिए कि रेड कलर में था, अभी इसकी मार्किंग जो है थोड़ी सी किस कलर में हो गई, थोड़ी सी इस कलर में हो गई, ठीक है, इस कलर में चेंज हो गई, तो क्या क्या ये जो ऑर्किड का प्लांट है ये अपने में मतलब इसमें भी इवोल्यूशन होने के चांस रहेंगे? हो सकता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कोई इवोल्यूशन का पूरा चांस है, ठीक है, कोई इवोल्यूशन का पूरा चांस है, क्लियर है कि नहीं। हमने यहाँ पे एक टर्म और बोला था प्रोटो कोऑपरेशन, यहाँ नाम नहीं दिया है, लेकिन अभी पूरा हमने किस में पढ़ लिया, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में ना। तो म्यूचुअलिज्म अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ एक्चुअली में, तो म्यूचुअलिज्म में ना, एक्चुअली में म्यूचुअलिज्म क्या है, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर प्लस, ए और बी में दोनों प्लस ही है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दो टाइप के रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, एक सिम्बायोटिक होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नॉन सिम्बायोटिक, ठीक है, दोनों हमने पढ़ लिया। तो जो नॉन सिम्बायोटिक वाले होते हैं यही प्रोटो कोऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले मैंने बताया शायद। और ये ऑब्लिगेट होता है, नॉन सिम्बायोटिक वाला नॉन ऑब्लिगेट होता है। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, घड़ियाल का, ठीक है, घड़ियाल का, घड़ियाल और एक बर्ड होती है, ठीक है। आप देखेंगे कहीं घड़ियाल लेटा हुआ रहेगा ना, मान लीजिए वैसे मुंह पूरा ऐसे बाँक रहता है, ऐसे लंबे से बॉडी रहती है इनकी, ठीक है, ऐसे मुंह एकदम ना बहुत बड़ा सा बाके रहेगा, ऐसे ऐसे दांत इसके हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बर्ड आती है बड़े प्यार से, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब इसके क्या बोलते हैं, खाता पीता रहता है ना भाई, मांसाहारी है तो इसमें चिपका रहेगा, मांस के टुकड़े चिपके रहेंगे, और जो भी चीज़ें इसमें फंसी रहती, जैसे हम कभी खाते हैं कुछ चीज़ तो फंस जाता है ना दांतों में, तो ये बर्ड आती है उड़ते हुए, यहाँ बैठेगी आराम से, इसको खाएगी, बिल्कुल साफ कर देती है, साफ करने के बाद चली जाएगी। ये जब बर्ड बैठती है ना, तब ये नहीं खाता है, ये ऐसे देखता रहेगा कि चिड़िया जो है आके साफ कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, चिड़िया चेंज हो सकती है, इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आ रहा है, प्रोटो कोऑपरेशन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, किस कैटेगरी में आ रहा है, प्रोटो कोऑपरेशन की कैटेगरी में, मतलब नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। यहाँ पे बर्ड को भी फायदा हो जाता है, ठीक है, बर्ड को क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, और घड़ियाल के लिए क्या फायदा है भाई, सफाई हो जाती है, दांत की सफाई, वो ब्रश थोड़ी लेके ऐसे ऐसे से करेगा, ठीक है, एनिमेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हमने बता रहा था, मैं बता रहा था हर्मिट क्रैब का, क्रैब या हर्मिट क्रैब, ठीक है, हर्मिट क्रैब प्लस सी एनिमोन का एनिमोन, ठीक है, सी एनिमोन। तो इस केस में क्या होता है ना, हर्मिट जो क्रैब होता है, ये एक शेल के सेल जो होता है, सी शेल जो होता है ना, इसके अंदर जो डेड डेड सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल ये घुस जाता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसी के ऊपर जो होता है
सी एनिमोन भी अपना चिपका रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सी एनिमोन तो मोबाइल है नहीं, तो इसके अंदर चिपका हुआ है, लेकिन हर्मिट क्रैब को भी फायदा हो रहा है, तो इन दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ डेवलप हो गया, ठीक है। तो फायदा क्या हो रहा है, इन दोनों को ऑब्लिगेट रिलेशनशिप नहीं है, तो हर्मिट क्रैब जो है, हर्मिट क्रैब जैसे मूव करेगा, ठीक है, हर्मिट क्रैब जैसे मूव करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? हर्मिट क्रैब जैसे मूव करेगा तो सी एनिमोन का भी यहाँ से मूवमेंट होगा, और ये पूरे सेल के साथ ऐसे मूव करेगा, और कोई दूसरा अगर मान लीजिए प्रीडेटर आ रहा है इसको खाने के लिए, तो एनिमोन बैठा है ना, तो इसके यहाँ पर क्या है, टेंटिकल्स है, हमने पहले ही पढ़ा क्या है, टेंटिकल्स हैं, तो टेंटिकल से ये क्या करेगा, देख के जो प्रीडेटर होगा वो डर जाएगा, जैसे वहाँ पे क्लाउन फिश थी, यहाँ पे ये रिलेशन है। तो अगर हर्मिट क्रैब नाम आए और सी एनिमोन आए ना, तो ये प्रोटो कोऑपरेशन में आ जाता है, ठीक है, ये प्रोटो कोऑपरेशन में आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और यहीं क्या मतलब पूरा लेक्चर ये फिनिश हो गया है, अब इसमें हम अगला टॉपिक जो हमारा इकोसिस्टम का है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट होती है, और आज रात में या कल सुबह तक ये पूरा लेक्चर जो है 10, 11, 12 लेक्चर जितने भी हैं ना, वो हम एक साथ लाइव कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, लेकिन पढ़िए भाई, पढ़िए, नहीं 2025 का वेट मत करिए कि अगले साल मई जून में एग्जाम है, तो अभी तो बहुत टाइम है, टाइम नहीं है, पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, फिर कहानी खत्म। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे थे ना, ये वास्प वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके अंदर आपको कीड़े दिख रहे होंगे, ये देखिए कीड़े दिख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, दीज आर द इंसेक्ट ओनली, कौन से इंसेक्ट है, ये वास्प के लार्वा हैं, वास्प के लार्वा हैं, ठीक है, और ये फ्रूट है, देखिए ये फ्लावर है ना, ये देखिए वास्प दिखा रहा है, ये वास्प, और ये पूरा फ्लावर है, और ये इसके बाहर का जो है क्या है, पेडिसिल, पेडिसिल है ना, फ्लावर का डेंटल लास्ट वाला क्या होता है ये, ठीक है। अब बताइए क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया कि किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमने पूछा है यहाँ पे, आप बताइए किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे मिलता है, और इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, आप हमको बताएंगे, क्लियर है कि नहीं? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका, और थोड़ा वीडियो को वॉच करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है, और ढंग से वॉच कर लीजिए, कोई इसके बाद हमको नहीं लगता है कुछ बचेगा, क्योंकि हमने पूरा एनसीईआरटी को एकदम से जो जो चीज़ यहाँ पे है लिखी हुई उसको हमने एक एक करके सब समझा दिया है डिटेल में, और कोई चीज़